हे गाइस, मायसेल्फ डॉक्टर गोविंद। और गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि MBBS करने के बाद जो है आपको रेसिडेंस या PG करना है UAE यूनाइटेड अरब इमीरेट्स में, तो उसका फर्स्ट स्टेप एग्ज़ाम जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप एग्ज़ाम जो होता है वो इमीरेट्स मेडिकल स्पेशलिटी ट्रेनिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी तो इमीरेट्स मेडिकल रेसिडेंसी एंट्रेंस एग्ज़ाम पर बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो गाइस, वीडियो को सबसे पहले आप फाइव कर देता हूँ कि यदि आप हमारा पहला वीडियो जो है PG इन UAE में यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तब जाकर ये वीडियो देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले जो है गाइस, इसका ये बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। अगर बात किया जाए तो हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी और दुबई हेल्थ अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो है, ये तीनों अथॉरिटी जो है अभी प्रेजेंटली जो है, करेंटली जो है अभी वो इंगेज्ड हो चुका है। और ये जो है तीनों जो है रेसिडेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर काम करता है जो कि इमीरेट्स मेडिकल रेसिडेंसी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम होता है ये कंडक्ट कौन कराता है? कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज CMHS UAE कंडक्ट कराता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इसका गाइस पूरा टोटल जो है जनरली जो है इसका ऑनलाइन कंप्लीट किया जाता है। और इसका जो है लिंक जो है ये दिया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि गाइस, ये जो इमरी जो है, इमीरेट्स मेडिकल रेसिडेंसी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, इसका जो है फॉर्म एग्ज़ाम जो है सिर्फ आप एक बार जो है एट ए टाइम पे दे पाओगे। ठीक है, जैसे मान लो आप दुबई का रेसिडेंसी का आप दे रहे हो, ठीक है, तो अबू धाबी का साथ में नहीं दे पाओगे। एट ए टाइम पे सिर्फ एक ही आप के लिए मतलब मीन्स एग्ज़ाम दे पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर बात किया जाए तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस और हैंडलिंग चार्जेस जो है वो सारा टोटल जो है वो 700 धीराम रखा गया है, जो कि आपको मास्टर कार्ड, वीज़ा और वीज़ा इलेक्ट्रॉन से आपको पेमेंट करना होगा। और ये नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, ये जो है एग्ज़ाम फ़ीस जो है आपका नॉन रिफंडेबल होगा। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी जो है इसका ऑल कैंडिडेट जो है इसको फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि MBBS हो गए, BDS हो गए, BMS हो गए, BHMUS हो गए, ठीक है, BUMS हो गए, फार्मेसी से बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, ठीक है, फार्मडी, नर्सेस से GNM, ANM जो भी हैं इसमें कैंडिडेट को जो फुलफिल करते हैं उसको ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है टेक्निकल स्टूडेंट्स भी इसको फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हो गए, ठीक है, BMLT, DMLT जो भी है ये कैंडिडेट्स जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो कि हर DHA और MOH अथॉरिटी को जो है फुलफिल करते हैं, ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है, और ये कभी भी आप भर सकते हो। ठीक है, कभी भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। साथ ही आप फॉर्म को जब भरोगे तो उसके साथ जो है वीज़ा का रजिस्ट्रेशन भी करोगे और साथ ही इमीरेट्स ID जो है UAE का उसका भी आप फिलअप करोगे। और ये चीज़ें बहुत ध्यान से जो है भरना होगा। ठीक, उसके बाद एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो एग्ज़ाम जो है आपको अल अलिन अबू धाबी में जाकर जो है आपको देना होगा। और जो है फिजिशियन के लिए दिसंबर से लेकर मार्च तक जो है आप एग्ज़ाम दे पाओगे, और नॉन फिजिशियन के लिए जो है जनवरी से लेकर मार्च तक जो है ये आप लोग एग्ज़ाम दे पाओगे। और ये जो है जब आप जाओगे तो वहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन और जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो आपका देखा जाता है, जैसे कि पासपोर्ट हो गया है, ये UAE ID कार्ड हो गया जो आप यहाँ पे फॉर्म फिल को फिलअप करोगे। उसका पेमेंट रिसिप्ट जो है आपका 700 UAED का जो 700 दिरहम का जो है आपका पेमेंट जो होगा वो भी आपका यहाँ साथ में ले जाना होगा, देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है गाइस, इसका एग्जामिनेशन की अगर बात किया जाए तो एग्जामिनेशन जो है इसका 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि लिमिटेड समय जो है वो 3 आवर्स का है।
और ये MCQ बेस्ड टोटल क्वेश्चंस होते हैं, किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग इसमें पूछे नहीं जाते हैं और 95% जो है क्वेश्चंस जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सारा जो है क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, मीन्स CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये 3 अटेम्प्ट में ही आपको ये क्लियर करना होगा ये एग्ज़ाम, मीन्स इमीडिएट रेसिडेंसी इंट्रांस एग्जामिनेशन जो है ये इसको 3 बार में ही आपको क्लियर करना होगा। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से जो है आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें पूछे जाते हैं, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी में से 18 क्वेश्चन, इंटरनल मेडिसिन में से 24 क्वेश्चन, जनरल सर्जरी पीडियाट्रिक्स और फैमिली मेडिसिन में से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइकेट्री और पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंटिव मेडिसिन से जो है 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, जो कि टोटल जो है 120 क्वेश्चन आपको देना होगा। अच्छा, अब एग्ज़ाम रिजल्ट की अगर बात करें किया जाए तो एग्ज़ाम रिजल्ट जो है पासिंग स्कोर जो है वो 60% रखा गया है, और 60% मतलब जो है 120 क्वेश्चन में से अगर 72 क्वेश्चन आपका अगर सही हो जाता है तो आइए फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो जाता है, और आपका एग्ज़ाम जो स्कोर जो होता है वो एग्ज़ाम स्कोर जो है आपका 10 डेज के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है रिजल्ट जो है वो HAAD मीन्स हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी और दुबई हेल्थ अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये तीनों जो है अथॉरिटी से आप जिस अथॉरिटी में आप सबमिट किए रहोगे एप्लीकेशन उसी हिसाब से जो है आपका रिजल्ट बनकर जो है आपका रैंक बनकर जो है आपका स्कोर कार्ड तैयार करके आपको दिया जाएगा, और ये एग्ज़ाम कार्ड जो है आपका 24 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। अच्छा, लर्निंग रिसोर्सेज की अगर बात किया जाए किस किस से आप तैयारी कर सकते हो इस एग्ज़ाम का, तो मेनली जो है आपका ये USMLE बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, USMLE Step 2 बेस्ड होते हैं, और MCCEE होता है मीन्स मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा इवोकुलेशन इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है इसके बेस्ड पे ये सब क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, और बाकी जो है रिसोर्सेज जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो गाइज, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो किसी भी PG या रेसिडेंसी का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उस वीडियो को प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू गाइज़।